हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका शादी करके सुनील के घर आती है, जहां उसकी सास कुंती और ससुर प्रकाश और उसी के साथ उसकी ननद आंचल रहा करती थी। राधिका अपनी ननद को अपनी बहन की तरह समझती थी, लेकिन आंचल के तेवर ही कुछ और थे। वो अपनी भाभी पर अपने तेवर ही दिखाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर सर्व करती है। सब एक साथ बैठकर खाने लगते हैं। तभी राधिका के ससुर प्रकाश बोलते हैं, अरे वाह बहू, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। भाभी, इसमें हरा धनिया और मिर्च थोड़ी ज्यादा कर देते ना तो ज्यादा अच्छे लगते। अगली बार से मेरे पराठे में कंजूसी मत करना। तेरे तो नखरे ही बड़े हैं, ठीक तो बने हैं, और अब बाहर की चाट जो मुंह लग गई है तो घर का खाना कहाँ ही अच्छा लगेगा तुझे। मैं चलती हूँ ऑफिस, देर हो रही है। आंचल अपने ऑफिस के लिए चली जाती है और वहाँ से अपनी भाभी को कॉल करके बोलती है, भाभी मेरे कपड़े धो देना, जो ब्लू जींस मैंने कल पहनी थी ना वही वाली, और हाँ शाम को कुछ चटपटा खाना बनाना। ठीक है दी। राधिका अपना काम खत्म करके आराम करने चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को आंचल जब घर आती है तो अपना बैग कहीं और जूते कहीं फेंक कर अपनी भाभी को बोलती है, भाभी चाय बना दो, मैं थक गई हूँ। ठीक है, अभी बनाती हूँ दीदी, और थोड़ी देर में खाना लगा देना। आंचल अपनी भाभी से नौकरों की तरह बर्ताव करती थी, उसे अपने तेवर दिखाती रहती थी। राधिका अपनी ननद को चाय देकर सबके लिए खाना लगा देती है और सब खाना खाने बैठते हैं। तभी अपनी भाभी को आराम आराम से खाना डालते देखकर आंचल बोलती है, जल्दी डालो भाभी, भूख लग रही है, और हाँ दो रोटी भी दे देना राजमा चावल के साथ। दीदी मैंने सिर्फ राजमा चावल ही बनाए हैं, रोटी नहीं बनाई। क्या, रोटी नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? चुपचाप खा ले, तेरे लिए अलग से रोटी नहीं बनेगी, जो सब खा रहे हैं वही मिलेगा। मुझे नहीं खानी। और हाँ भाभी, आगे से ध्यान रखना, मुझे चावल के साथ रोटी भी चाहिए होती है। मैं अभी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आंचल अपने तेवर दिखाकर गुस्से से बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पापा बोलते हैं, इसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, तमीजी नहीं है, कैसे बात करते हैं। बहू तू उसकी बात का बुरा मत मानियो, बैठ जा हमारे साथ ही, तू भी खा ले। कुंती तुमने बिगाड़ा है इसको। मैंने नहीं, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। अब आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो, और राधिका रोटी बना दो उसके लिए। राधिका रोटी बनाकर और राजमा चावल लेकर आंचल के कमरे में आती है और उसे बोलती है, दीदी आपके लिए मैंने रोटी बना दी है, खा लो। ले जाओ, अब मुझे भूख नहीं है। मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, भूख लगे तो खा लेना। राधिका उसके कमरे से चली जाती है और आंचल ललचाते हुए अपना खाना खा लेती है। रात गुजर जाती है और अगली सुबह राधिका रसोई में खाना बना रही होती है। तभी आंचल उसके पास आकर बोलती है, क्या बना रहे हो भाभी? दीदी आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो पहले राई क्यों डाली? जीरा डालना चाहिए था ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, जो मर्जी डाल दो। कुछ बनाना भी आता है आपको, या बस पागल ही बना लेती हो हमें? पता नहीं क्या का क्या बना कर रख देती हो। अच्छा एक काम करो भाभी, मेरा पानी गर्म कर दो नहाने के लिए, फिर मेरे कपड़े ब्रश कर देना, और हाँ मेरा लंच भी पैक कर दो। राधिका सुनकर उसका सारा काम कर देती है और आंचल नहा कर आके बोलती है, हद है भाभी, आपको प्रेस तक नहीं करना आता, अब ये सब सिखाना पड़ेगा क्या आपको? अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। मेरा काम पसंद ना आए तो आप खुद भी कर सकते हो। आप ही करोगी काम, अब हो किस लिए? आंचल अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और राधिका बेचारी उसके ताने सुनकर भी उसका काम और घर का काम करती है। लेकिन अब आंचल के तेवर से राधिका परेशान होने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आंचल के जन्मदिन का उपहार लेने राधिका बाजार से उसके लिए ड्रेस लेकर आती है। अगले दिन जन्मदिन की तैयारियां भी करती है। राधिका अपना मेकअप करके रेडी हो रही होती है, तभी उसके कमरे में आंचल आकर बोलती है, भाभी मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो, एकदम परी जैसी दिखूं मैं, इतना बढ़िया मेकओवर कर दो मेरा। शक्ल देखिए, परी जैसी होनी भी चाहिए, मेकअप चाहिए परी जैसा, परी भी डर के भाग जाए कल्लू माई से। आज
आंचल के जन्मदिन पर सारे दोस्त आते हैं। आंचल का केक कट करने के बाद सब आंचल को गिफ्ट देते हैं। राधिका भी आंचल को गिफ्ट देती है और जन्मदिन की बधाई देते हुए कहती है, जन्मदिन मुबारक हो आचल, तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम बहुत खुश रहो। बस बस भाभी, एक काम करो भाभी, मेरी दोस्त के लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। राधिका सबके लिए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। पार्टी खत्म होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके घर जाने के बाद अपने गिफ्ट्स को देखने लगती है। जब वो अपनी भाभी का दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखती है तो गुस्से में गिफ्ट को लेकर अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है, ये क्या है भाभी, आपको नहीं पता मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, कितना गंदा कलर है इसका, आपकी चॉइस कितनी खराब है, बिल्कुल आपकी तरह एकदम गवारों जैसी, आप ही किसी और को दे देना, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, मेरे कमरे में बहुत सारा सामान फैला हुआ है तो प्लीज टाइम से सफाई कर देना, और कल मेरी छुट्टी है तो मुझे जल्दी बिल्कुल मत उठाना। राधिका ड्रेस लेकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और सुनील राधिका को बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, आंचल ने फिर से कुछ बोल दिया, बोलो भी, अब रोती रहोगी बताओगी भी, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। आंचल ने मुझे गवार बोला, उसने मुझसे बदतमीजी से बात की। सुनील गुस्से में अपनी बहन के पास जाता है और उसे बोलता है, आंचल तेरी बदतमीजी हद पार कर रही है, तूने अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात करी, आज से अपना सारा काम तू खुद करेगी। हाँ कर लूंगी मैं खुद अपना काम। अगली सुबह आंचल अपना सारा काम करती है। रात को खाने के टाइम पर भी वो भाभी के हाथ का खाना नहीं खाती और रसोई में आ रही खुशबू को सूंघकर बोलती है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बनाया है भाभी ने, मुझे याद आया मुझे तो अपना काम खुद ही करना है, कोई नहीं मैं बाहर से खा लूंगी। आंचल होटल में खाना खाने चली जाती है, तभी राधिका सुनील को खाना देती हुई बोलती है, देखो ना सुनील जी, आंचल आज खाना खाने भी नहीं बैठी, बाहर चली गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, ऐसे ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। आप समझाओ ना पापा जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन सुनील ने ठीक कहा, उसके तेवर देखकर यही ठीक है, तुम अपना खाना खा लो बहू। आंचल होटल से खाना खाकर घर आती है और आते ही कमरे में सो जाती है। उसकी आंख सुबह के 10 बजे खुलती है और वो टाइम देखकर बोलती है, भाभी ने आज मुझे उठाया नहीं, इनकी वजह से मैं लेट हो गई, अभी बताती हूँ, ओह मैं तो भूल ही गई थी, ये सब काम तो मुझे खुद ही करना है, वो मुझे उठाने का काम नहीं करेंगी। आंचल अपना पानी गर्म करने को रखती है और कपड़े भी खुद प्रेस करती है और बोलती है, आज तो मैं बहुत लेट हो गई, कपड़े भी धोने हैं। आंचल अपने ऑफिस के लिए रोज लेट होती थी और ऐसे ही दिन गुजरते गए। संडे को ऑफिस की छुट्टी वाले दिन वो अपने कपड़े धोते हुए बोलती है, कपड़ों का ढेर लग गया, मुझे तो वॉशिंग मशीन भी चलानी नहीं आती, चल जा, हाँ शुक्र है चल गई, हाय रे मैं तो थक गई मशीन से, मुझे लगा था कपड़े धोना आसान होता होगा लेकिन नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई है, ओह अब ये सुखाने भी है, उसके बाद प्रेस भी करने है, कितना काम है। आंचल अपने कपड़े धोने के बाद सूखने पर उनको लेकर प्रेस करने लगती है और उससे उसका एक टॉप जल जाता है और वो परेशान हो जाती है। सारे कपड़े प्रेस करने के बाद वो बाहर खाना खाने जाने के लिए अपने पैसे चेक करती है और उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। पैसे खत्म होने पर वो अपना खाना खुद बनाने जाती है। ओहो कितनी बेकार बेकार सब्जियां रखी है, बैंगन टिंडे, इससे अच्छा तो मैं आलू बना लेती हूँ, लेकिन बनाते कैसे हैं? मुझे तो कोई सब्जी बनानी नहीं आती, आलू में तड़का लगा लेती हूँ जैसे उस दिन भाभी ने लगाया था। आंचल आलू की सब्जी बनाने के लिए राई का तड़का लगाने लगती है और तभी तेल की छोटी छोटी बूंदे उसके मुंह पर आ गिरती है। मेरा मुंह! और तभी उसकी चीख सुनकर राधिका और सुनील वहाँ आते हैं। राधिका जल्दी से उसके चेहरे को ठंडे पानी से धुलवाती है और उसको दवाई लगा देती है, साथ ही उसको कमरे में आराम करने के लिए ले जाती है जहाँ सुनील उससे बोलता है, अब ठीक है? हाँ भैया। तू कर क्या रही थी?
भैया मैं अपने लिए आलू की सब्जी बना रही थी, तड़का लगाने के लिए मैंने जैसे ही राई डाली वो तेल के छींटे मेरे ऊपर आ गए। आलू की सब्जी में पहले आपने राई डाली? अरे दीदी आप पागल हो क्या, केमिकल रिएक्शन हो जाता तो। अरे राधिका ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे रिएक्शन हो सकता है, तुम भी बेवकूफ हो। सुनील जी ये बात मैंने नहीं आंचल दीदी ने मुझसे बोली थी। भाभी मुझे पता है, मैंने ही आपको मना किया था पहले राई नहीं जीरा डालते हैं। असल में तो मुझे खुद नहीं पता कि पहले क्या डालते हैं और क्या नहीं। मैं आपसे उन सारी चीजों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, शायद इसी वजह से मेरी गलती की सजा मिली है आज मुझे। कोई बात नहीं आंचल, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ वही काफी है। भाभी मैं समझ गई हूँ, आप जो काम करती है ना वो आपकी जगह कोई नहीं कर सकता। मैं अब से ना मैं आपके साथ मिलकर सारे काम करवाऊंगी और आपसे कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं दीदी आप आराम करिए, मैंने खाना बना लिया है, मैं लेकर आती हूँ। क्यों आखिर आ ही गई ना लाइन पर। राधिका आंचल को खाना खिला देती है और आंचल अपनी भाभी की इज्जत करने लगती है और उसके साथ मिलकर काम भी करवाने लगती है। आंचल सुधर गई थी और ननद भाभी के बीच अब प्यार बढ़ गया था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।